आज की कहानी घर बना खंडहर। एक सेठ जी थे जो दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्हें तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनना था। धीरे धीरे पर आखिर वे नगर के सबसे धनी सेठ बन ही गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने के लिए चले आए। थकान से चूर जैसे ही बिस्तर पर लेटे एक आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ घबरा कर बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने वर्षों के तनतोड़ परिश्रम के बाद यह सफलता अर्जित की है। अब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से भोगने का अवसर आया है। 100 वर्ष तक टिके ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है। यह करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा बोली, यह मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था, स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना की है। मौत शौक के कबाड़ तो भरता रहा पर मजबूत बनाने पर किंचित भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य तन का नाश ही कर डाला है। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा दिल भी कमजोर हो चुका है। तनाव के कारण ना जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुका है ये तुम्हारा शरीर। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमजोर व असुरक्षित दीवारें हो, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, ढंग से सफाई तक न होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत टपक रही हो, जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हों? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना, इसलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। सेठ पश्चाताप मिश्रित भय से कांप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का न तो सामर्थ्य और न ही साहस सेठ में बचा था। एक गहरी निश्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी। सेठ का पार्थिव बंगला पड़ा रहा। मित्रों, ये कहानी आज अधिकांश लोगों की हकीकत है। सफलता अवश्य हासिल कीजिए, किंतु स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं। अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का लुत्फ उठाने से वंचित रह जाएंगे। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तथा शेयर भी करें। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।